नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर देश दो विचारों में बट गया है। एक कानून का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरा इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। वहीं BJP सरकार ने रविवार को जनसंपर्क अभियान के जरिए देश में अधिक से अधिक लोगों तक इस कानून के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश किया। BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर इस कानून को लेकर जागरूक करने की कोशिश की गई। वहीं इसी प्रकार मौजूदा सरकार में मंत्री पीयूष गोयल ने नागरिकता संशोधन कानून पर चर्चा के लिए फिल्म जगत के लोगों को बुलावा भेजा, लेकिन सरकार की यह कोशिश असफल रही। ज्यादातर लोगों ने CAA पर होने वाली चर्चा में भाग नहीं लिया। इससे देखा जा सकता है कि फिल्म जगत के लोगों में भी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को लेकर काफी नाराजगी बनी हुई है। BJP की तरफ से यह चर्चा मुंबई के हयात होटल में रखी गई थी। हालांकि कुछ फिल्म जगत के लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, लेकिन मुख्य धारा के फिल्म जगत से जुड़े लोग नदारद दिखे। जिन लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: फिल्म निर्माता रितेश सिधवानी, भूषण कुमार, कुणाल कोहली, रमेश तौरानी, राहुल रवेल, सेंसर बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी, गायक शान और कैलाश खेर, संगीतकार अनु मलिक आदि। पूरे दिन के दौरान जावेद अख्तर, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, रवीना टंडन, कंगना रनौत और मधुर भंडारकर जैसे कई अन्य लोगों के आने के बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। मीटिंग में हिस्सा लेने वाले शख्स जिसने अपना नाम नहीं बताया, उसने कहा, मैं अधिक सदस्यों की उम्मीद कर रहा था, लेकिन विचार यह नहीं है कि बड़े सितारे आते हैं या नहीं। यह चर्चा भ्रम को दूर करने के लिए है। इस बैठक का उद्देश्य CAA के चारों ओर एक संवाद और हवा को साफ करना था, क्योंकि बहुत सारी गलत सूचनाओं के कारण विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आपको बता दें कि फिल्म जगत से जुड़े स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, सुशांत सिंह और निखिल आडवाणी जो विभिन्न विरोध प्रदर्शन में थे और CAA के खिलाफ अपने विचारों को जिन्होंने खुलकर रखा था, उन्हें CAA की इस चर्चा में नहीं बुलाया गया। न्यूज चैनल NDTV के सूत्रों से पता चला कि CAA को लेकर चर्चा के लिए बुलाई गई यह बैठक आखिरी नहीं है, भविष्य में इस प्रकार की और भी मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। सूत्रों ने इसे लगातार चलने वाली प्रक्रिया बताया है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।